नमस्कार, मैं उमा और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। आज मैं आपके सामने वॉर मूवी का रिव्यू लेकर आई हूं। इस फिल्म में आपको ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा और वाणी कपूर नजर आएंगे। ये फिल्म डायरेक्ट किए सिद्धार्थ आनंद ने। ये फिल्म एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है, सस्पेंस है, बहुत कुछ है इस फिल्म में। अगर आपको दो हैंडसम हीरो को एक ही फ्रेम में देखना है तो यह फिल्म ज़रूर देखिए। इस फिल्म में काफ़ी एक्शन सीन्स है जो कि हॉलीवुड सीन्स की तरह लगते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। कबीर, जो कि ऋतिक के किरदार का नाम है, वो एक एक्स सीक्रेट सोल्जर रहते हैं और टेररिज्म के खिलाफ एक मिशन पर रहते हैं। दूसरी तरफ है टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ अपने बाप की गद्दारी का सिर पर से बोझ उतारने में लगे रहते हैं और देशभक्ति को प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा जुटे रहते हैं। वो काफ़ी अच्छे सोल्जर हैं, इंडियन आर्मी में रहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि कबीर देश दुनिया वालों के नाम सामने गद्दार साबित हो जाते हैं और उन्हें अपने ही चेले यानी टाइगर श्रॉफ से टकराना पड़ता है। दोनों के बीच में काफ़ी भिड़ंत होती है, एक्शन होता है, अच्छा लगता है एक्शन देख के, क्योंकि हॉलीवुड टाइप के एक्शन हैं। आप देखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको एक्शन सीन्स। दोनों के दोनों हीरो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ वो तो हमेशा से अच्छे एक्शन सीन देते हैं, उन्हें तो स्टंटमैन की भी ज़रूरत नहीं है। इस बार उन्होंने अपने डायलॉग डिलीवरी पे भी काफ़ी ध्यान दिया है और अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको याद दिला दें, इसमें वाणी कपूर भी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर तड़के के लिए रखा गया, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है। उनका रोल तो जब पलक झपकते ही ख़त्म हो जाता है, कुछ दो तीन मिनट का रोल है, उसके बाद वो चली जाती हैं। आशुतोष राणा भी हैं इस फिल्म में, जो कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग में है पर बहुत ही ज़्यादा छोटा रोल है उनका, उनका रोल भी कम है इसमें। मैं सबसे ज़्यादा आपको ऋतिक और टाइगर ही दिखेंगे पूरे फ्रेम में। हर टाइम वो लोग एक्शन और सस्पेंस करते हुए नज़र आएंगे। इस फिल्म में काफ़ी सस्पेंस और थ्रिलर है, आप क्लाइमेक्स गैस नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मैं तो कहूँगी कि आपको देखनी तो देखिए, क्योंकि अच्छी फिल्म है। अगर आप एक्शन के शौकीन हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखिए, क्योंकि अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स हैं। हॉलीवुड की तरह फिल्म बनाई गई है पर कहानी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। मुझे लगता है कहानी ने इस फिल्म को थोड़ा डाउन कर दिया है। वैसे मैं आप पे छोड़ूंगी और इसको सिर्फ एक्शन के लिए 5 में से 3 स्टार दूंगी। और आपको आप पे छोड़ूंगी कि आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।